हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है और एडू चेतना पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 6 लेक्चर बेसिक इंग्लिश क्लासेस करके प्रॉमिस्ड करी हैं, और 6 लेक्चर में से आज हमारा चौथा लेक्चर है, जो कि है सम बेसिक आइडियाज ऑफ वर्ब्स। मतलब आज हम कुछ ना कुछ वर्ब के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने किसके बारे में जान रखा है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा सेंटेंस के बारे में। अपने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा, सेंटेंस किसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ा, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और इसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। और दूसरे क्लासेस में मैंने क्या बताया आपको, दूसरे क्लास में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट को हम कैसे फाइंड करते हैं। क्या बताया, हम सब्जेक्ट को इंग्लिश में कैसे फाइंड करते हैं। और जो तीसरा क्लास था हमारा, उसमें हमने बताया कि मैं ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करता हूं किसी सेंटेंस में। आई बात समझ में। और आज हमारा है सम बेसिक आइडियाज ऑफ वर्ब्स। मतलब हम किसे फाइंड करने की बात करेंगे, वर्ब्स को फाइंड करने की बात करेंगे। एक बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार ये लेक्चर मेरा देख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले लेक्चर 1 देखना चाहिए, जो बेसिक क्लासेस 1 से है। उसके बाद बेसिक क्लासेस 2 देखना है आपको, फिर बेसिक क्लासेस 3 देखना है। और मेरे प्यारे, अगर आप किसी को ये वीडियो सजेस्ट करते हो, मतलब अपने छोटे भाई बहन या उनको इनको अगर आप सजेस्ट करते हो, तो आपको ना एक वीडियो नहीं भेजना है। क्यों? क्योंकि वो एक वीडियो भेजोगे और उसमें मैं कुछ हाई लेवल की चीजें बता रहा हूंगा, मैं मान लो क्लॉज बता रहा हूंगा, और उनको समझ में नहीं आएगा तो बोलेंगे कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। इसका मतलब आपको प्लेलिस्ट सेंड करनी है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, उसमें लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 इस तरीके से सेंड करना है। और ये बात सुन में, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप प्लेलिस्ट सेंड करो। जिनको भी आप सेंड करना चाहते हो उनको क्या करो, अपनी पूरी की पूरी बेसिक इंग्लिश क्लासेस की प्लेलिस्ट सेंड किया करो। और दूसरी बात, नोट्स प्रॉपर बनाया करो, पहले वीडियोस देखो एकदम आराम से, उसमें कुछ नहीं लिखना है तुमको। दोबारा जब वीडियो देखो तो पीपीटी डाउनलोड कर लिया करो हमारे टेलीग्राम से, पीडीएफ उसका, और उसके बाद उसको नोट्स बनाया करो, साथ में वीडियो भी चलने दिया करो। इससे क्या होगा कि मैं वीडियो में कुछ नया चीज जो बता रहा हूंगा उसको भी नोट डाउन कर लिया करो। चलो तो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ब्स कहते किसको हैं। कहता है अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हो सकता है कि वर्ब एक वर्ड का भी हो और हो सकता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो। बोलो सर ये कैसे बोल दिए, तो मैं बोलूंगा देखो मेरे प्यारे, अगर मैं लिखता हूं गो तो ये क्या है, बोलोगे सर एक वर्ड का है, ये भी वर्ब है। मैं बोलूंगा हैज गोन, क्या बोलोगे हैज गोन, तो बोलोगे ये क्या है, मैं बोलूंगा दो वर्ड का बन गया, इसका मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। इसका मतलब वर्ब भी एक से ज्यादा वर्ड का हो सकता है। बोलो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं क्या सर, मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकते हैं। बोलो कैसे, बोलेंगे हैज बीन गोन, ये पैसिव वॉइस में बना दिया मैंने, हैज बीन गोन। बोलोगे सर इससे ज्यादा करके दिखाइए तब मानेंगे आपको, मैं बोलूंगा देखो लिख रहा हूं। बोलो कैसे लिख रहे हैं आप, मैं बोलूंगा वुड, बोलोगे हाँ सर वुड। उसके बाद वुड मॉडल एक्जिलरी वर्ब है, तो मॉडल एक्जिलरी वर्ब को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हैज का फर्स्ट फॉर्म हैव होता है, बोलेंगे वुड हैव बीन गोन। तो देखो 4 वर्ड का भी मैं वर्ब बना दिया कि नहीं बना दिया, जादू जैसा दिखता है ये, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो चलो ये सारी चीजें समझ में आ गई कि वर्ब हमारा एक वर्ड का भी हो सकता है और वर्ब हमारा एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो यस सर क्लियर हो गई पूरी की पूरी बात। अब एक बात बताता हूं मैं कि वर्ब्स कितने तरह के होते हैं। वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल वेज। वर्ब्स को आप बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। क्लासिफाई कर देना मतलब बांट देना। तो वर्ब को हम बहुत तरीके से बांट सकते हैं। बहुत तरीके से हम किन किन तरीकों से बांट सकते हैं, तो उनमें से मैंने 2 तरीका यहां पे मेंशन किया है। और इस वीडियो में हम पहले वाले तरीके पे ही चर्चा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो का लेंथ जितना छोटा रहेगा और जितना आसानी से मैं उस वीडियो में पूरे अपने एनर्जी के साथ अपनी पूरा 100% देकर के मैं जहां तक समझा पाऊंगा वहां तक समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो लेक्चर, उसमें हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वे। वर्ब्स को जो हम बांट सकते हैं वो बहुत तरीके से बांट सकते हैं। एक होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और दूसरा जो होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू यूसेज। हम यूसेज के अकॉर्डिंग भी बांट सकते हैं, उसके उपयोग के आधार पर बांट सकते हैं। आ रही है बात समझ में? लेकिन अभी के लेक्चर में हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। चल नेक्स्ट। कहता है
कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देर आर थ्री काइंड ऑफ वर्ब्स. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू हमारे स्ट्रक्चर की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे यहाँ कितने काइंड ऑफ वर्ब्स होते हैं? तो आप बोलोगे सर थ्री काइंड ऑफ वर्ब्स होते हैं. कितने काइंड ऑफ वर्ब्स होते हैं? थ्री काइंड ऑफ वर्ब्स होते हैं. बोलोगे पहला क्या होता है? मैं बोलूंगा ट्रांजिटिव वर्ब होता है. क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है. बोलोगे दूसरा क्या होता है सर? मैं बोलूंगा इनट्रांजिटिव वर्ब होता है. और तीसरा क्या होता है सर? तो बोलोगे लिंकिंग वर्ब होता है. कुछ लोग लिंकिंग वर्ब तो पहली ही बार सुन रहे होंगे, तो उनको घबराना नहीं है, बस मैं अभी पहचान करवा रहा हूं, क्योंकि बेसिक क्लासेस है, जान पहचान हो जाएगी, रिश्ता आगे बढ़ा लेना अपने से, ठीक है ना. तो कहता है सबसे पहले क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब. दूसरा क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब. और तीसरा क्या है? लिंकिंग वर्ब. और जो मेजर, जो पूरा का पूरा वीडियो है हमारा, वो किस पे बेस्ड होगा? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव पे. बोलो ऐसा क्यों करते हैं सर आप? एक चीज छोड़ क्यों दिए? मैं बोलूंगा इसी वजह से छोड़ा क्योंकि ये जहां फिट होगा ना, जिस जगह पे अच्छे तरीके से फिट हो रहा होगा, जहां पे मैं और अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊंगा, वहां पे मैं इसे समझाऊंगा. इसका मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पे फोकस रहेगा हमारा. लिंकिंग कब बताइएगा? मैं बोलूंगा जब मैं कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूं, जब मैं क्या बता रहा हूं? कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूं, तब मैं आपको लिंकिंग वर्ब डिस्कस करूंगा. बोलोगे ठीक है सर, मान गए. बोलो क्यों मान गए? क्योंकि आप लिखते हैं सबों का. क्या लिखते हैं? सबों का. और बोलते हैं बेसिक क्लासेस में मुझे यही पढ़ाना है. मैं बोलूंगा बहुत सुंदर, बेसिक क्लासेस में अगर यही पढ़ाना है तो सबसे पहले आप क्या पढ़ाए? मैं बोलूंगा सबसे पहले तो मैं पढ़ाया सेंटेंस का सब्जेक्ट. क्या पढ़ाया? सब्जेक्ट. उसके बाद क्या पढ़ाया? ऑब्जेक्ट. और तब आज पढ़ा रहा हूं वर्ब. इसका मतलब कोई मेरे सीक्वेंस से चलो, जैसे मैं चल रहा हूं, इसका मतलब पहले ट्रांजिटिव पढ़ो, इंट्रांजिटिव पढ़ो, और लिंकिंग को कॉम्प्लीमेंट के साथ पढ़ना. नेक्स्ट, बोलो सर ट्रांजिटिव क्या होता है जरा ये बताइए. कितने अच्छे तरीके से नोट्स डिजाइन है ये, तुम तो देख ही पा रहे हो. कहता है अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ड दैट वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? तो एक ऐसा वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती हो, रिक्वायर, रिक्वायरमेंट है इसकी. एक ऐसा वर्ब जिसको किसकी जरूरत पड़ती हो? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती हो, उसको हम कौन सा वर्ब बोलते हैं? तो बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं सरकार. क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं. बोलो एग्जाम्पल देके समझाइए. मजा नहीं आया. एग्जाम्पल जब तक नहीं दीजिएगा तब तक समझ में नहीं आ रहा है. क्या नहीं दीजिएगा? एग्जाम्पल जब तक नहीं दीजिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा. मैं बोलूंगा बिल्कुल दे दूंगा. बोलोगे दे दीजिए फिर. मैं बोल रहा हूं देखो. बोलो बोलो. मिस्टर मोदी एड्रेस्ड द ऑडियंस. क्या लिखा हुआ है? मिस्टर मोदी एड्रेस्ड द ऑडियंस. और आज हमारा बेसिक क्लासेस चौथा है, तो हम सब्जेक्ट भी तोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट भी तोड़ेंगे, और तब वर्ब पे आएंगे. बोलोगे ठीक है. हु एड्रेस्ड द ऑडियंस? सॉरी, हु एड्रेस्ड द ऑडियंस? बोलोगे सर मिस्टर मोदी. मोदी साहब जो है ना, वो एड्रेस किए. एड्रेस करना मतलब समझते हो ना, भाषण देना लोगों को. तो मिस्टर मोदी सब्जेक्ट हो गए. सब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है प्यारे? बोलोगे सर सब्जेक्ट की जगह पे तो नाउन आता है. इसका मतलब यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे यस सर क्लियर है. बोलोगे ऑब्जेक्ट ढूंढो. मैं बोलूंगा बोलिए. कहता है मिस्टर मोदी एड्रेस्ड हुम? किसको एड्रेस किए? एड्रेस्ड हुम? तो आंसर आएगा ऑडियंस को एड्रेस किए सर. किसको एड्रेस किए? ऑडियंस को. इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. हूं मैं बोला था ना, अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट आए तो जो व्हाट और हूम का रिप्लाई होता है, किसका रिप्लाई होता है? व्हाट और हूम का जो रिप्लाई होता है वो कैसा ऑब्जेक्ट होता है? बोलोगे दोनों का दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. किसका किसका रिप्लाई? व्हाट और हूम का जो रिप्लाई होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है अगर सेंटेंस में बस एक ऑब्जेक्ट आए. बोलो एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? बोलोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे बोलोगे सर नाउन, तो ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया. बोलोगे सर ऑडियंस नाउन है कि द नाउन है? बोलेंगे सर नाउन तो ऑडियंस है. बोलोगे सर द क्या है? मैं बोलूंगा डिटरमाइनर है. डिटरमाइनर को क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होता है. डिटरमाइनर और नाउन मिलके क्या बनाता है? तुम बोलोगे नाउन फ्रेज बनाता है. यहां तक क्लियर है या नहीं? अब आगे बढ़ेंगे. अब देखो मिस्टर
मोदी एड्रेस द ऑडियंस। तो ये जो ऑडियंस है ये क्या है बोलो सर? यही तो ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब एक ऐसा वर्ब, एड्रेस क्या था? एक वर्ब था। क्या था? वर्ब था। एक ऐसा वर्ब जिसको रिक्वायरमेंट हुई एक ऑब्जेक्ट की। अगर हम मिस्टर मोदी एड्रेस करके छोड़ दें तो मीनिंग क्लियर होगा क्या? बोलोगे नहीं क्लियर होगा। इसका मतलब जब तक ऑब्जेक्ट लिखेंगे नहीं मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट किसको रिक्वायरमेंट है तो बोलूंगा ये कैसा वर्ब है? बोलोगे टीवी, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलोगे? ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक बात बताओ, क्या हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब पकड़ सकते हैं क्या? बोलोगे नहीं सर। क्या पकड़ना पड़ेगा? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट ढूंढिए, ऑब्जेक्ट देखिए कैसा है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव। अब समझ में आई कि क्यों मैं सब्जेक्ट पढ़ाया फिर ऑब्जेक्ट पढ़ाया? क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं सीख लोगे तब वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करोगे? गुरु बात तो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फ्रेंड्स कांग्रेचुलेटेड मी। मैं बोलूंगा हु कांग्रेचुलेटेड मी। मैं क्या बोलूंगा? हु कांग्रेचुलेटेड मी। आंसर आएगा माय फ्रेंड्स कांग्रेचुलेटेड मी। माय फ्रेंड्स क्या हो गया? बोलोगे सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है? बोलेंगे नाउन होता है। माई नाउन है कि फ्रेंड्स नाउन है? बोलोगे सर फ्रेंड्स नाउन है। तो माई क्या है? बोलेंगे डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर को क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होता है। दोनों मिलके क्या बना दिया? बोलेंगे नाउन फ्रेज बना दिया गुरु। क्या बना दिया? नाउन फ्रेज। हर एक बात लिख दिया करो कॉपी पे। कहता है माई फ्रेंड फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेटेड हूं किसको? आंसर किससे आ रहा है? बोलेंगे सर हुम से आ रहा है। हुम से आंसर आ रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो कैसा ऑब्जेक्ट? बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा? नाउन होगा। मी क्या है? बोलेंगे नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। बताओ अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो एक ऐसा वर्ब जिसको की ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो यहां पे कांग्रेचुलेटेड क्या है? बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है। आ रही है ना बात समझ में? मजा आ रहा है ना? थर्ड क्वेश्चन पे आओ। इंडिया लॉस्ट द मैच। हु लॉस्ट द मैच? इंडिया लॉस्ट द मैच। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जगह पे क्या होगा? बोलेंगे सर सब्जेक्ट के जगह पे नाउन होगा। नाउन है इंडिया। मैं बोलूंगा वेरी गुड। इंडिया लॉस्ट व्हाट? क्या लॉस्ट कर गया इंडिया? तो बोलेंगे इंडिया लॉस्ट व्हाट। आंसर आया व्हाट से। तो व्हाट से जो आंसर आया वो क्या हुआ? बोलेंगे ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट है एक, तो बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है? बोलोगे नाउन होता है। बोलेंगे मैच क्या है? बोलेंगे नाउन है। बोलेंगे द क्या है? बोलेंगे डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर को क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होता है। तो ये नाउन क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, इट मींस नाउन फ्रेज कहलाएगा। मैं इन दोनों को अलग कर देता हूं, आप प्यार से देख लेना किनको किनको अलग कर रहा हूं। ये पहले वाले सेंटेंस का है, ये सारी चीजें जो है ये इसके ऊपर वाले सेंटेंस की है, ये नीचे वाले सेंटेंस का है। बोलोगे सर इंडिया लॉस्ट व्हाट? आंसर आया द मैच। द मैच क्या है? डिटरमाइनर प्लस नाउन है। क्या बनाया? नाउन फ्रेज बनाया। तो लॉस्ट क्या हो गया सर? बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि एक ऐसा वर्ब है जिसको किसकी जरूरत पड़ रही है? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। तो वो वर्ब कैसा होगा? बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब होगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं प्यारे। कहता है इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स अचीव सक्सेस। क्या लिखा हुआ है? इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स अचीव सक्सेस। तुम बोलोगे हु अचीव सक्सेस? Who achieve success? तो तुम बोलोगे industrious students achieve success. तो industrious students क्या हो जाएगा? मैं बोलूंगा subject हो जाएगा। Subject की जगह पे क्या होता है प्यारे? तुम बोलोगे सर subject की जगह पे तो noun होता है, दिख नहीं रहा है, बढ़िया से लिखिए। Subject की जगह पे क्या होता है? Noun होता है। बोलोगे इंडस्ट्रियस नाउन है कि स्टूडेंट्स नाउन है? मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स नाउन है। बोलूंगा कैसे स्टूडेंट्स? तुम बोलोगे इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स। बोलोगे कैसे स्टूडेंट्स? तुम बोलोगे मेहनती स्टूडेंट्स। इसका मतलब कैसा से आंसर किए? मतलब नाउन से कैसा पूछे? नाउन से कैसा पूछेंगे क्या कहलाएगा? बोलोगे एडजेक्टिव कहलाएगा सर। तो बोलेंगे इंडस्ट्रियस क्या हो गया? बोलेंगे एडजेक्टिव हो गया। तुम बोलोगे एडजेक्टिव नाउन मिल गया, क्या कहलाया? बोलोगे कुछ भी चीज मिल जाएगा ना, दो नाउन फ्रेज बना देता है, चाहे वो डिटरमाइनर के साथ हो चाहे वो एडजेक्टिव के साथ हो।
बस बेस वर्ड नाउन होना चाहिए, मजा आया कि नहीं। मैं बोलूंगा इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स अचीव व्हाट, तुम बोलोगे व्हाट से रिप्लाई कीजिए या नहीं तो हुम से रिप्लाई कीजिए। अगर एक ऑब्जेक्ट हुआ तो बोलोगे क्या कहलाएगा एक ऑब्जेक्ट होगा, तो तुम बोलोगे सर एक ऑब्जेक्ट होगा तो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मैं बोलूंगा इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स अचीव व्हाट, तुम बोलोगे व्हाट से आंसर आया, ऑब्जेक्ट हुआ। कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है? बोलोगे नाउन होता है। इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स अचीव व्हाट, ऑब्जेक्ट आया सक्सेस। बोलोगे अचीव करना, प्राप्त करना कैसा वर्ब हो गया? बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बोलेंगे क्यों हो गया? क्योंकि इसको एक ऑब्जेक्ट मिल गया प्यारे। क्या मिल गया? एक ऑब्जेक्ट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हर्ड अ लाउड नॉइज। क्या है? वी हर्ड अ लाउड नॉइज। मैं बोलूंगा हु हर्ड लाउड नॉइज, तुम बोलोगे वी हर्ड लाउड नॉइज। वी सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हु और व्हाट से क्वेश्चन करते हैं सब्जेक्ट होता है, हुम और व्हाट से क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्ट होता है। मैं बोलूंगा सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है? तुम बोलोगे सब्जेक्ट की जगह पे नाउन होता है। नाउन के बदले जो आता है वो क्या कहलाता है? बोलोगे प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। हर्ड क्या है? अभी तो सिर्फ वर्ब बताओ इसको, क्योंकि पता नहीं इसके आगे क्या है। बोलेंगे वी हर्ड व्हाट, क्या हर्ड किए हम? बोलोगे अ लाउड नॉइज हर्ड किए। इसका मतलब अ लाउड नॉइज क्या हो गया? बोलेंगे ऑब्जेक्ट हो गया सर। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा? बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है? मैं बोलूंगा नॉइज नाउन होता है। तो बोलोगे नॉइज क्या है? मैं बोलूंगा नॉइज तो नाउन है। नॉइज क्या है? एक नाउन है। बोलोगे सर नाउन है ना नॉइज, एक बात बताइए लाउड क्या है? मैं बोलूंगा कैसा नॉइज, मैं पूछूंगा कैसा नॉइज, कैसा शोर। बोलोगे लाउड बहुत जोर का शोर। नाउन से कैसा पूछे? नाउन से हाउ पूछे। क्या बन गया प्यारे? बोलोगे सर नाउन से हाउ पूछे, एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव के आगे ए आया है, बोलोगे डिटरमाइनर आया है। डिटरमाइनर को नाउन चाहिए होता है, मिला कि नहीं मिला? बोलोगे मिल गया सर। बोलेंगे आगे बढ़ो प्यारे, सारी चीजें समझ में आ गई। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी वर्ब में एक ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं हम। कह रहा है अब डाई ट्रांजिटिव क्या होता है? सर आप तो अभी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझाए थे, ये डाई ट्रांजिटिव कहां बीच में घुसा दिए? मैं बोलूंगा घुसा इसलिए दिया क्योंकि ट्रांजिटिव से ही रिलेटेड है। बोलो बताइए तब, तब बताइए दीजिए तब। तो मैं बोलूंगा देखो डाय का मतलब टू होता है। डाय का मतलब क्या होता है? टू। और ट्रांजिटिव तो मैं सिखा ही दिया कि एक ऐसा वर्ब जिसको कि दो ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है। सॉरी, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वर्ब जिसको कि एक ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है। और डाय मतलब क्या हो गया? टू। इसका मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक ऐसा वर्ब जिसको कि कैसा कह कितना ऑब्जेक्ट हो। बोलोगे डबल ऑब्जेक्ट हो। कैसा ऑब्जेक्ट हो? डबल ऑब्जेक्ट हो। इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट आ रहा हो। और दो ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो बोलिए सर ट्रांजिटिव वर्ब दैट रिक्वायर्स टू ऑब्जेक्ट। एक ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जिसको कि ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है। और ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब जिसको दो ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है क्या कहलाता है? तुम बोलोगे डाई ट्रांजिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? डाई ट्रांजिटिव कहलाता है। बोलोगे ट्रांजिटिव क्या कहलाता है? बोलूंगा एक ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है। मैं बोलूंगा डाई ट्रांजिटिव क्या कहलाता है? तुम बोलोगे एक ऐसा वर्ब जिसको दो ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है। मैं बोलूंगा एग्जांपल दो। मैं बोलूंगा वही देने बैठा हूं। माय मदर गिफ्टेड मी अ कार। मैं बोलूंगा हु गिफ्टेड मी अ कार। आंसर आएगा माय मदर गिफ्टेड मी अ कार। माय मदर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया प्यारे। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है? मैं बोलूंगा सब्जेक्ट की जगह पे नाउन होता है। मैं बोलूंगा मदर नाउन है कि माई नाउन है? बोलोगे मदर नाउन है। तो माई क्या है? डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर नाउन मिलके क्या बना दिया? बोलेंगे नाउन फ्रेज बना दिया गुरु। क्या बना दिया? नाउन फ्रेज बना दिया। माई मदर गिफ्टेड व्हाट, क्या मिला? क्या गिफ्ट करी? क्या गिफ्ट करी माय मदर? माय मदर गिफ्टेड व्हाट। तो बोलेंगे व्हाट से आंसर आया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट आ जाता है
मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, जब दो ऑब्जेक्ट आ जाता है तो जो व्हाट का रिप्लाई होता है, किसका रिप्लाई होता है प्यारे, जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो फॉर हूम क्या होता है, फॉर हूम या टू हूम, इसका जो रिप्लाई होता है ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है प्यारे, क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं बोलूंगा माय मदर गिफ्टेड व्हाट, क्वेश्चन व्हाट से कर रहे हैं, आंसर आएगा क्या कहलाएगा, बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है, बोलोगे नाउन होता है, क्या होता है, नाउन होता है। माय मदर गिफ्टेड अ कार टू हूम, बोलेंगे सर टू हूम से क्वेश्चन करने पे आंसर आया, क्या कहलाएगा, मी, बोलोगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा, बोलेंगे नाउन होगा, सर नाउन है लेकिन मी है तो बोलेंगे प्रोनाउन होगा, क्योंकि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। बोलोगे सर यहाँ अ नाउन है कि कार नाउन है, बोलूंगा कार नाउन है। बोलोगे ए क्या है, बोलेंगे डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर नाउन मिल गया तो क्या कहलाएगा, बोलेंगे नाउन फ्रेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज कहलाएगा। बोलेंगे गिफ्टेड क्या हो गया, मैं बोलूंगा देखो इसको एक ऑब्जेक्ट तो मिला, क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट तो मिला, मैं बोलूंगा हाँ मिल तो गया सर, एक ऑब्जेक्ट क्या, एक से ज्यादा मिल गया, डायरेक्ट भी मिल गया इनडायरेक्ट भी मिल गया, तो बोलेंगे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिल गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, क्या बोलेंगे, डाई ट्रांजिटिव, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट मिल गया ना तो बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव। आ गई बात समझ में, किसको कहते हैं डाई ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव जिसको एक ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़े, डाई ट्रांजिटिव जिसको एक से ज्यादा, दो कम से कम, दो ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़े, डाई मतलब टू ही होता है। चलो विलियम ऑफर्ड हर अ ड्रिंक, क्या लिखा हुआ है, विलियम ऑफर्ड हर अ ड्रिंक, विलियम जो है ना भाभी से मिला, मेरी भाभी से मिला विलियम, और वो क्या करता है, उनको जैसे ही मिला ना वो उनको ऑफर कर दिया, क्या ऑफर कर दिया, ड्रिंक ऑफर कर दिया, ड्रिंक मतलब समझते हो ना, बोला थोड़ा तो बोलेंगे हु ऑफर्ड हर अ ड्रिंक, तो बोलेंगे विलियम ऑफर्ड हर अ ड्रिंक। विलियम क्या हो गया प्यारे, बोलेंगे सर विलियम तो सब्जेक्ट हो गया, बोलेंगे सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है, मैं बोलूंगा सब्जेक्ट की जगह पे नाउन होता है। बोलोगे बहुत सुंदर सर, विलियम ऑफर्ड व्हाट, क्या ऑफर किया विलियम, बोलोगे सर ड्रिंक वे ऑफर कर दिया, गया जाके और बोलता है चलिए ना थोड़ा सा लेके आते हैं, है ना, तो क्या किया, विलियम ऑफर्ड हर व्हाट, तो तुम बोलोगे विलियम ऑफर्ड हर हर ड्रिंक, ड्रिंक ऑफर किया, हो सकता है कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर रहा हो, तुम गलत क्यों समझ रहे हो, चलो तो ड्रिंक ऑफर किया, तो ड्रिंक क्या हुआ, बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि किससे पूछ रहा है, बोलेंगे व्हाट से पूछ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है प्यारे, बोलूंगा नाउन होता है, तो ड्रिंक क्या है सर, नाउन है, तो ए क्या है सर, डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर को नाउन मिल गया, क्या कहलाया सर, नाउन फ्रेज कहलाया, मैं बोलूंगा वेरी गुड। William offered her what? To a drink. William offered a drink to whom? किसको ऑफर किया ड्रिंक? William offered a drink to whom? किसको ऑफर्ड किया ड्रिंक? बोलेंगे to whom से क्वेश्चन किए गुरु, मैं बोलूंगा हाँ, तो क्या कहलाएगा? Indirect object. और indirect object तो object की जगह पे बोलोगे noun. और noun के बदले क्या आ जाता है? मैं बोलूंगा pronoun आ जाता है. तो यहाँ पे हर क्या है? बोलेंगे pronoun है. बोलेंगे अब बताइए सर एक बात. बोलोगे पूछो गुरु. बोलेंगे William offered her a drink में कितना ऑब्जेक्ट आया? मैं बोलूंगा दो ऑब्जेक्ट आया. और एक ऐसा वर्ब जिसको दो ऑब्जेक्ट मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब. क्या हो जाएगा? डाई ट्रांजिटिव वर्ब. तो जैसा ट्रांजिटिव है ना, सेम डाई ट्रांजिटिव भी था. ट्रांजिटिव को एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, डाई ट्रांजिटिव में दो ऑब्जेक्ट होता है. ट्रांजिटिव पढ़ते हैं तो डाई ट्रांजिटिव साथ में दिखा दिया, ठीक है ना. चलो नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं. कहता है इंट्रांसिटिव वर्ब्स बताइए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसिटिव पढ़ रहे थे, फिर इंट्रांसिटिव पढ़ रहे हैं, और लास्ट पोर्शन क्या है हमारा, ट्रांसिटिव वर्सेस इंट्रांसिटिव. चलो तो कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है. कहता है एन इंट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब, एक इंट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है दैट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है. किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है. और जब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है तो क्या कहलाएगा? बोलेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा. क्या कहलाएगा?
इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। बोलोगे ठीक है, मैं बोलूंगा हु वॉक्स एवरी डे, हु वॉक्स एवरी डे, कौन टहलती है एवरी डे। बोलोगे सुजाता वॉक्स एवरी डे, सुजाता क्या हो गई, क्या नाम है सुजाता, प्रेम वाला एकदम, सुजाता क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट के जगह पे क्या आएगा, बोलेंगे नाउन आएगा, सुजाता वॉक्स एवरी डे, हु वॉक्स एवरी डे। बोलेंगे सर वॉक्स तो वर्ब है लेकिन यहाँ पे एवरी डे लिखा हुआ है। मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट अगर होता तो किससे क्वेश्चन करने पे आंसर आता, बोलेंगे या तो व्हाट से करने पे आंसर आता या नहीं तो हुम से करने पे आंसर आता। ये दोनों आता जब एक ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो बोलूंगे एक ही वर्ड दिख रहा है इसका मतलब एक ही ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका मतलब या तो व्हाट से क्वेश्चन करने पे आंसर आ जाना चाहिए ना या तो हुम से क्वेश्चन करने पे आ जाना चाहिए। मैं बोलूंगा सुजाता वॉक्स व्हाट, सुजाता क्या टहलती है, आंसर आएगा व्हाट से। तुम बोलोगे नहीं सर व्हाट से तो आंसर नहीं आया, बोलोगे सुजाता वॉक्स हूम, सुजाता किसको टहलती है, बोलोगे क्या बात करते हैं सर, किसको कैसे टहल सकती है, ना तो व्हाट से आंसर आया ना ही हूम से आंसर आया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। बोलोगे सर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है ये बताइए, मैं अब बोल रहा हूं जो बात वो ध्यान से सुनना है ना। अगर कोई वर्ड प्लेस के बारे में बताने लगे, किसके बारे में बताने लगे, प्लेस के बारे में, प्लेस का मतलब क्या होता है, बोलेंगे जगह, क्या होता है जगह। बोलेंगे टाइम के बारे में बताने लगे, किसके बारे में बताने लगे, टाइम के बारे में बताने लगे, अभी के लिए मैं बस बात बता रहा हूं ये सुन लेना, एडवर्बियल कहलाता है, जो वर्ड प्लेस के बारे में बताता है, जो वर्ड टाइम के बारे में बताता है और जो वर्ड मैनर के बारे में बताता है। मैनर का मतलब समझते हो ना, किस तरीके से कोई काम किया गया उसको मैनर बोलते हैं। केयरफुल्ली, तो किस तरीके से किया गया, केयरफुल्ली, किस तरीके से किया गया, ब्यूटीफुली, इसका मतलब प्लेस, बोलेंगे टाइम और मैनर, ये तीन चीज ध्यान रखना अभी के लिए बस, ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा नहीं होता है। मैं बोलूंगा एडवर्बियल कहलाता है, क्या कहलाता है, एडवर्बियल कहलाता है। अगर कोई चीज प्लेस के बारे में बता रहा हो, अगर कोई चीज टाइम के बारे में बता रहा हो और अगर कोई चीज मैनर के बारे में बता रहा हो, क्या कहलाता है, एडवर्बियल कहलाता है, क्या कहलाता है, एडवर्बियल कहलाता है। अब एक बात प्यार से देखो बेटे, मैं बोलूंगा हां सर बताइए, सुजाता वॉक्स एवरीडे, एवरीडे मतलब समय, क्या समय, क्योंकि टाइम के बारे में बताया और अगर जो चीज टाइम के बारे में बताया वो क्या कहलाया, बोलेंगे सर एवरीडे, इसका मतलब एडवर्बियल हो गया, क्या कहलाया, एडवर्बियल हो गया। और एडवर्बियल के जगह पे क्या आता है, मैं बोलूंगा सब्जेक्ट की जगह पे नाउन, वर्ब की जगह पे वर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन और एडवर्बियल की जगह पे एडवर्ब। अभी तक इतना सिखा पाया हूं, तो एडवर्बियल की जगह पे एडवर्ब लिख दिया। अब एक बात बताओ, अगर कोई वर्ब जिसको कि ऑब्जेक्ट ना मिले, ऑब्जेक्ट क्या हो ना मिले, कैसा वर्ब कहलाता है, बोलोगे इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। इसका मतलब यहां पे वॉक्स क्या हो गया, बोलेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया, क्या हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। आ रही बात समझ में, बोलोगे एक एग्जांपल हो गया, दूसरा दीजिए कुछ ज्यादा क्लियर होगा। मैं बोलूंगा ठीक है, बोलेंगे द ट्रेन स्टॉप्ड, मैं बोलूंगा व्हाट स्टॉप्ड, व्हाट स्टॉप्ड, क्या रुक गया, बोलेंगे द ट्रेन स्टॉप्ड। तो तुमको पता है या तो हु से या नहीं तो व्हाट से जब क्वेश्चन करते हैं और इसका जो आंसर आता है क्या कहलाता है, बोलेंगे सब्जेक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। द ट्रेन स्टॉप्ड, द ट्रेन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है, नाउन होता है। ट्रेन नाउन है कि नहीं, बोलोगे हाँ सर, आगे क्या लगा हुआ है, द, इसका मतलब द क्या है, बोलेंगे डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर को क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए होता है, दोनों मिलके क्या बनाएगा, बोलेंगे नाउन फ्रेज बना देगा गुरु, क्या बना देगा, नाउन फ्रेज। बोलेंगे सर द ट्रेन स्टॉप्ड, ये तो स्टॉप तो डायरेक्ट वर्ब हो गया, सर वर्ब के पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो कैसा वर्ब हो गया प्यारे,
बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया सरकार, क्या हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बोलेंगे तीसरा बताइए तब समझेंगे आप कितना बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं बोलूंगा लो बेटा, बोलेगा मोनालिसा एंड जॉर्डन डांस टायरलेसली, मैं बोलूंगा हु डांस टायरलेसली, कौन डांस किया बिना थके। टायरलेसली मतलब क्या होता है, टायर मतलब थकान, लेसली मतलब बिना थके, है ना, तो टायरलेसली मतलब बिना थके। मोनालिसा एंड जॉर्डन डुएट हो रहा था उन दोनों का, मोनालिसा और जॉर्डन का, तो कैसे थक सकते हैं दो लोग जब अपोजिट जेंडर के लोग एक साथ डांस करेंगे। तो बोलोगे मोनालिसा एंड जॉर्डन डांस टायरलेसली, मैं बोलूंगा हु डांस टायरलेसली, मैं बोलूंगा मोनालिसा एंड जॉर्डन, मोनालिसा एंड जॉर्डन क्या हो गया सर, मैं बोलूंगा सब्जेक्ट हो गया प्यारे, सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है गुरु, मैं बोलूंगा नाउन होता है। बोलोगे कैठो नाउन है, मैं बोलूंगा मोनालिसा भी है जॉर्डन भी है, इसका मतलब हम प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बताओ मोनालिसा एंड जॉर्डन बिना थके डांस किए, मैं बोलूंगा मैनर बता रहा है। बोलोगे कैसे बताया मैनर, मैं पूछूंगा कैसे डांस किए, क्या पूछ रहा हूं कैसे डांस किए, मैनर क्या था उनका। अब एक बात और सिखा रहा हूं यहां पे, बोलूंगा आप खाली बातें तो सिखाते हो और क्या सिखाओगे। मैं बोलूंगा सारी चीजें जो कॉपी पे यहां पे पीपीटी पे जा रही हैं इनको इसीलिए बोलता हूं कि वीडियो को करके भी बना लिया करो, सिर्फ और सिर्फ पीपीटी मत निकाल मत लिखा करो, क्योंकि उसमें चीजें सारी चीजें जो एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं वो तो मैं यहां पर लिखता हूं। मैं बोलूंगा हाँ, अब एक बात बताओ, मैं बताया था अगर हम नाउन से हाउ पूछते हैं बोलोगे एडजेक्टिव कहलाता है, रटा दिए हैं आप। मैं बोलूंगा वर्ब से, किससे, वर्ब से, एडजेक्टिव से, या नहीं तो एक एडवर्ब से अगर हम हाउ पूछते हैं, क्या पूछते हैं हाउ पूछते हैं, तो क्या कहलाता है, बोलोगे एडवर्ब कहलाता है सर, क्या कहलाता है एडवर्ब कहलाता है। मैं पूछूंगा कैसे डांस किया, मैं पूछूंगा कैसे डांस किया, तो बोलोगे वर्ब से आप हाउ पूछ लिए, वर्ब से आप हाउ पूछ लिए, क्या कहलाएगा प्यारे, इसका मतलब ये टायरलेसली क्या हो गया, बोलेंगे एडवर्बियल हो गया। एडवर्बियल के प्लेस पे क्या होता है, बोलोगे एडवर्ब ही तो होता है। मैं बोलूंगा कैसे डांस किए, मैनर बताया, मैनर भी क्या बताता है, बोलोगे प्लेस टाइम मैनर, तीनों एडवर्बियल ही बताता है। बोलूंगा डांस कैसा वर्ब हो गया, तो सबसे पहले बोलोगे सर ये तो वर्ब हुआ। बोलूंगा कैसा वर्ब हुआ, बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ। बोलोगे क्यों इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ, क्योंकि इसमें एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो समझ में आई बात कि कब कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव कहलाता है, कब कौन सा वर्ब इनट्रांजिटिव कहलाता है। नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं हम, कहता है डेविड इज क्राइंग, डेविड रो रहा है, उसको उसकी माँ छोड़ के चली गई अपने पति देव के साथ। बोलोगे हु इज क्राइंग, बोलेंगे डेविड इज क्राइंग। हु से आंसर करते हैं, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन हो गया। बोलोगे सर इज क्राइंग तो पूरा का पूरा वर्ब है, इसका मतलब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया क्या। बोलोगे नहीं आया सर, नहीं आया, इसका मतलब एक ऐसा वर्ब जिसको कि कोई ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं होता है पर भी मीनिंग क्लियर कर रहा होता है, जैसे डेविड इज क्राइंग, पूरा का पूरा मीनिंग क्लियर है सेंटेंस का, इसका मतलब ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया सर। कैसा वर्ब हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बोलेंगे सर एक बात और समझाइए, ई वाला बोट रन्स फास्ट, इसको भी जरा बताइए के दिखा दीजिए। मैं बोलूंगा हु रन्स फास्ट, तुम बोलोगे बोल्ट रन्स फास्ट। बोल्ट सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन हो गया, रन्स तो वर्ब है दौड़ना। बोलेंगे बोल्ट रन्स हाउ, बोलेंगे सर कैसे दौड़ता है। मैं बोलूंगा अरे बहुत तेज दौड़ता है मर्दी, बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत तेज दौड़ता है इसका मतलब फास्ट हो गया, तो फास्ट मतलब वर्ब से पूछे हाउ। और तुम जानते हो प्यारे अगर मैं वर्ब से हाउ पूछता हूं क्या कहलाता है, बोलोगे सर एडवर्ब कहलाता है, क्या कहलाता है एडवर्ब कहलाता है, इसका मतलब ये फास्ट क्या हो गया, बोलेंगे एडवर्ब हो गया। तो कैसा वर्ब कहलाएगा अगर इसको एक भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तुम बोलोगे अभी ना आप बताए थे, मैं बोलूंगा क्या बताया था, बोलोगे इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, भूल गए। आ रही है बात समझ में, मजा आ रहा है ना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, कहता है ट्रांजिटिव वर्सेस इनट्रांजिटिव, ये बहुत बेस्ट है, तुम ऐसा कंटेंट ढूंढ के दिखा दो जिसमें चीजें ट्रांजिटिव भी बताई गई हो, जिसमें इनट्रांजिटिव भी बताई गई हो, और कब कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव की तरह रिएक्ट करता है,
कब कौन सा वर्ब इंट्रांसिटिव की तरह रिएक्ट करता है, ढूंढो यूट्यूब पे बेटे ढूंढो, ठीक है। मिल जाएगा तो लिंक सेंड कर देना, और अगर मिल जाएगा तो यह भी ढूंढना कि कौन से सीक्वेंस से बताई गई हैं, क्या सबसे पहले सेंटेंस सिखाया गया है, क्या सबसे पहले उसके बाद सब्जेक्ट बताया गया है, फिर ऑब्जेक्ट बताया गया है, तब वर्ब पे आया गया है, नामी याद आ जाएगी तुम्हें ढूंढने में। चलो कहता है ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव, सेम वर्ब समटाइम्स एक्ट्स एज अ ट्रांजिटिव एंड समटाइम्स एक्ट्स एज एन इंट्रांजिटिव। मैं बोलूंगा सर इतना बड़का इंग्लिश क्या लिख दिए, जरा हिंदी में समझाइए। बोलूंगा सेम वर्ब, कभी कभी क्या होता है सेम वर्ब, सेम का मतलब समझते हो ना एकदम डिट्टो, सेम वर्ब का मतलब क्या होता है डिट्टो। Sometimes acts as a transitive, मतलब वही वर्ब कभी ट्रांजिटिव की तरह एक्ट कर रहा होता है, वही वर्ब कभी इनट्रांजिटिव की तरह एक्ट कर रहा होता है। बोलिए ई क्या बोल दिए सर, अभी तो आप बताए थे कि जो ट्रांजिटिव होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जो इनट्रांजिटिव होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि वही वर्ब कभी ट्रांजिटिव की तरह एक्ट करेगा, वही वर्ब कभी इनट्रांजिटिव की तरह एक्ट करेगा। बोलोगे जरा एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। मैं बोलूंगा देखो हु इज फ्लाइंग अ काइट, हु इज फ्लाइंग अ काइट, तुम बोलोगे जोया इज फ्लाइंग अ काइट, जोया आपकी फेवरेट है सर। मैं बोलूंगा एक था टाइगर के टाइम से है जोया मेरी फेवरेट, ठीक है। बोलोगे जोया इज फ्लाइंग अ काइट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो गया, बोलेंगे नाउन हो गया। बोलेंगे सर इज फ्लाइंग क्या है, मैं बोलूंगा वर्ब है, अभी क्या पता कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। मैं बोलूंगा जोया इज फ्लाइंग व्हाट, जोया क्या उड़ा रही है, बोलूंगा हमको उड़ा रही है। अरे हमको कैसे उड़ाएगी, काइट उड़ा रही है। जोया इज फ्लाइंग व्हाट, बोलेंगे जोया इज फ्लाइंग अ काइट, इसका मतलब काइट क्या है। बोलेंगे सर व्हाट से आंसर आया, तो बोलेंगे या तो व्हाट या तो हुम से आंसर आता है, एक ऑब्जेक्ट होता है कैसा ऑब्जेक्ट कहलाता है, बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, इसका मतलब काइट क्या हो गया। बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है, मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन होता है, अ नाउन है कि काइट नाउन है, तुम बोलोगे क्या बात करते हैं सर, जो दिखता है वही नाउन है, इसका मतलब काइट नाउन है, अगर किसी चीज का नाम दे दिए तो वो नाउन है। तो बोलेंगे ए क्या है, बोलोगे अभी तो सिखा है डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर और नाउन मिलता है क्या कहलाता है, बोलेंगे नाउन फ्रेज कहलाता है गुरु, इसका मतलब एक ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया तो यहां पे इज फ्लाइंग क्या हो गया, बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्या हो गया ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। मतलब पहले वाले सेंटेंस में इज फ्लाइंग क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अ काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, क्या उड़ रहा है आसमान में, मैं बोलूंगा मेरे सपने उड़ रहे हैं आसमान में। व्हाट इज फ्लाइंग इन द स्काई, बोलेंगे अ काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, अ काइट क्या हो गया सर, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हु और व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो गया नाउन हो गया, काइट क्या हो गया नाउन हो गया। बोलेंगे ए क्या है सर, डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर और नाउन मिल जाता है तो क्या कहलाता है, बोलेंगे सर नाउन फ्रेज है तो कहलाता है। बोलेंगे एक बात बताओ प्यारे, बोलो पूछिए सर, बोलोगे काइट इज फ्लाइंग, इसमें इज फ्लाइंग है क्या काम कर रहा है, मैं बोलूंगा वर्ब है अभी तो यही पता है, ऑफ काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई। अच्छा एक बात बताओ, अ काइट इज फ्लाइंग व्हाट, आंसर आएगा अ काइट उड़ रहा है क्या, आंसर आएगा बोलोगे नहीं, बोलेंगे अ काइट इज फ्लाइंग हुम, अ पतंग उड़ रही है हुम किसको, आंसर आएगा बोलोगे ना तो व्हाट से आंसर आया ना हुम से आंसर आया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है सर, और ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो किस कौन से वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, किसको इंट्रांजिटिव वर्ब को। मैं बोलूंगा कितना बढ़िया समझ गए, इसका मतलब इज फ्लाइंग ट्रांजिटिव वर्ब है, इज फ्लाइंग इंट्रांजिटिव वर्ब है। बोलूंगा हां, कभी रटने मत लगना कि ये सब वर्ब ट्रांजिटिव होता है, ये सब वर्ब इंट्रांजिटिव होता है, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजिटिव कहलाएगा, ऑब्जेक्ट हटा देंगे तो इंट्रांजिटिव कहलाने लगेगा। तो कभी भी रटने मत लगना प्यारे कि क्या ट्रांजिटिव है क्या इंट्रांजिटिव है, बस दिमाग में कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखो, सब सही है। अब देखो बोलो सर इन द स्काई को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं बोलूंगा वही कर रहा हूं इन द स्काई, बोलूंगा इन क्या है, तो आप पहला दिन पढ़ाए थे सर इन प्रीपोजिशन है, क्या पढ़ाए थे इन क्या है प्रीपोजिशन है, और ये स्काई क्या है, मैं बोलूंगा नाउन है, स्काई के आगे द लगा हुआ है, बोलेंगे डिटरमाइनर लगा हुआ है, डिटरमाइनर को नाउन चाहिए, मिल गया, मैं बोलूंगा बिल्कुल मिल गया,
डिटरमाइनर को नाउन चाहिए, मिल गया। बोलेंगे प्रीपोजिशन को भी नाउन का जरूरत पड़ता है, मिल गया। बोलोगे देखिए सर स्काई, मिल तो गया। तो प्रीपोजिशन और नाउन मिलके क्या बना देता है, शायद पहला वाला लेक्चर याद होगा तो तुमको पता होता है कि प्रीपोजिशन और नाउन मिलके क्या बना देता है, रेस्ट बना देता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे सर ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना है, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, बोलेंगे रेस्ट हो गया। बोलेंगे सर इसको एक बात और बोल सकते हैं क्या, मैं बोलूंगा पूछो क्या बोल सकते हैं, इन द स्काई क्या है, मैं बोलूंगा प्लेस के बारे में चर्चा हो रही है, जगह के बारे में चर्चा हो रही है। अभी तुरंत तो आप बताए थे प्लेस टाइम मैनर क्या कहलाता है, एडवर्बियल कहलाता है। इसका मतलब इसको हम रेस्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम एडवर्बियल भी बोल सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं आई बात, इसका मतलब आप रेस्ट बोल दीजिए, आप एडवर्बियल बोल दीजिए। ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, मैं बोलूंगा नहीं है, तो कैसा वर्ब कहलाएगा, इंट्रांसिटिव बोलेगा। एक एग्जाम्पल और दीजिए तब भी समझेंगे। बोलेंगे पहले ये वाला बात समझ लो कि हियर इन दीज टू सेंटेंसेस ओनली वन वर्ब फ्लाई इज यूज्ड। कौन सा वर्ब यूज हुआ है, फ्लाई, बट द फर्स्ट सेंटेंस एक्ट्स एज अ ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह रिएक्ट करता है, और सेकेंड वाले सेंटेंस में जो वर्ब है वो इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह रिएक्ट करता है। तुम देख लिए क्यों ऐसा होता है, बोलेंगे एक एग्जाम्पल और दीजिए, क्लियर ये कर दीजिए। बोलेंगे माय वाइफ स्टॉप्ड द कार, बोलेंगे हु स्टॉप्ड द कार, बोलेंगे मेरी बीवी, उनको तो हमको जब रुकना होता है रोक देती है, तो ये तो कार ही है। बोलोगे ठीक है सर, सब्जेक्ट की जगह पे क्या हुआ, बोलेंगे नाउन हुआ, नाउन के आगे माई लगा हुआ है, बोलेंगे डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर और नाउन क्या कहलाता है, बोलेंगे नाउन फ्रेज कहलाता है। स्टॉप कर दी, बोलेंगे वर्ब हो गया। बोलेंगे क्या स्टॉप की, माय वाइफ स्टॉप्ड व्हाट, बोलेंगे व्हाट से आंसर आया सर, किससे आंसर आया, व्हाट से आंसर आया, क्या कहलाया, मैं बोलूंगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है, नाउन। बोलेंगे द नाउन है कि कार नाउन है, मैं बोलूंगा धत बुड़बक, कार नाउन है। बोलेंगे द क्या है, बोलेंगे डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर को नाउन मिल गया, क्या बन गया, नाउन फ्रेज मिल गया। बोलेंगे एक ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट मिल गया, कौन सा वर्ब कहलाएगा प्यारे, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। मैं बोलूंगा नीचे वाले सेंटेंस में आओ, A car stopped near my school. मैं बोलूंगा what stopped near my school? बोलेंगे car stopped. Car क्या हो गया? Subject हो गया. Subject की जगह पे क्या होता है? बोलेंगे noun होता है. बोलेंगे एक आ सब्जेक्ट है कि कार नाउन है, अ नाउन है कि कार नाउन है, बोलेंगे सर कार नाउन है। बोलेंगे ए क्या है, बोलेंगे डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर को क्या मिल गया, नाउन मिल गया, क्या कहलाया, नाउन फ्रेज कहलाया। बोलेंगे स्टॉप क्या है, बोलेंगे वर्ब है, अ कार स्टॉप्ड नियर माई स्कूल। अच्छा, बोलेंगे या तो व्हाट से क्वेश्चन पूछ लीजिए या हुम से क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो आंसर आएगा वही ऑब्जेक्ट कहलाया। मैं बोलूंगा हाँ, बोलोगे ए कार स्टॉप्ड व्हाट, एक गाड़ी रुकती है क्या, आंसर आया, बोलेंगे नहीं। बोलेंगे अ कार स्टॉप्ड हूम, अ गाड़ी रुकती है किसको, आंसर आया, बोलेंगे नहीं आंसर आया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसका मतलब एक कैसा वर्ब हो गया, बोलेंगे एक ऐसा वर्ब जिसको कोई ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, कौन सा वर्ब कहलाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। बोलेंगे तभी नियर माई स्कूल क्या है जरा बताइए, मैं बोलूंगा नियर माई स्कूल किसको बता रहा है, मैं बोलूंगा प्लेस को बता रहा है। बोलोगे प्लेस को बता रहा है, बोलोगे हाँ। बोलेंगे प्लेस को, मैनर को और टाइम को जो वर्ड बताता है वो क्या कहलाता है, बोलेंगे एडवर्बियल कहलाता है। तो ये एडवर्बियल हो गया प्यारे, क्या हो गया, एडवर्बियल हो गया। समझ में आई बात, बोलोगे यस सर, क्या समझना था। बोलेंगे कभी मत रटिएगा ट्रांजिटिव को ऐसे लेके लिस्ट लेके, बोलोगे कैसे, बोलेंगे कभी मत रटिएगा इन ट्रांजिटिव को ऐसे लिस्ट लेके, तो क्या करेंगे, बोलेंगे देखिए सर दोनों सेंटेंस में एक ही वर्ब यूज हुआ है स्टॉप, पहले वाले सेंटेंस में ट्रांजिटिव के तरह यूज हुआ है, दूसरे वाले सेंटेंस में ये इन ट्रांजिटिव के तरह यूज हुआ है। तो बोलोगे रूल बताइए, रटवाइए हमको। बोलेंगे व्हाट कम्स आफ्टर द वर्ब डिसाइड्स वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, का मतलब समझो कि वर्ब के बाद आने वाला जो चीज होता है, वर्ब के बाद आने वाला जो चीज होता है, व्हाट कम्स आफ्टर द वर्ब, जो वर्ब के बाद आता है वो डिसाइड करता है कि ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो बोलेंगे वर्ब ट्रांजिटिव, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया तो बोलेंगे इनट्रांजिटिव। आ गई बात समझ में। बोलेंगे अगर वर्ब के बाद एडवर्बियल आ गया तो भी इनट्रांजिटिव, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आया ना।
बोलेंगे अगर वर्ब के बाद रेस्ट आ गया तो भी इंट्रांजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आया ना, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा प्यारे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा तभी ट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो हमेशा इंट्रांजिटिव। बोलोगे लिख के दिखाइए, तो लिख तो दिए हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट कम्स देन इट विल बी ए ट्रांजिटिव वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, इफ नथिंग कम्स तो ये क्या कहलाएगा, या नहीं तो एडवर्बियल आ गया, या नथिंग आ गया मतलब कुछ नहीं, या नहीं तो एडवर्बियल आ गया तो क्या कहलाएगा, बोलेंगे इनट्रांजिटिव कहलाएगा। अब देखो वी विल डिस्कस लिंकिंग वर्ब्स, ये बचा रह गया After discussing compliment, तो तुमको भी पता है कि sequence तुम्हारे से ज्यादा मुझे पता है, इसका मतलब compliment के time पे linking verb discuss किया जाता है, ठीक है प्यारे, आ गई बात समझ में, ये इतना तुम्हारे जरूरत का था और ये मेरे जरूरत का है। ऑफलाइन ऑनलाइन बैच है, इंक्वायरी कर लो, ऑफलाइन ऑनलाइन क्या है, बैच है प्यारे, क्या कर लो, इंक्वायरी कर लो आराम से, कॉन्टेक्ट नंबर ये है, व्हाट्सएप नंबर ये है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई, कॉन्टेक्ट नंबर लिख चुका हूं ना, बात करने के लिए ये वाला फोन मिलाओ इस पे, व्हाट्सएप खाली इस पे होना चाहिए, ठीक है प्यारे। चलो बोलोगे अब क्या करना है सर, अब है थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर लिया करो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लिया करो वीडियो को, चैनल को शेयर किया करो, चैनल को तो शेयर किया ही करो, प्लेलिस्ट वा शेयर कर दिया करो, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट, चाहे वो मैथ्स एंड इंग्लिश की प्लेलिस्ट हो पूरी करो, बोलेंगे इंग्लिश मॉक की हो पूरी करो, बोलेंगे मैथ्स मॉक की हो पूरी करो, बोलेंगे बेसिक इंग्लिश की हो पूरी करो, ताकि लोगों को सीक्वेंस समझ में आए। आ गई बात समझ में, चलो बाय, थैंक यू, टेक केयर।